सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। गाइस आज की वीडियो में हम लोग को दिखाने वाले हैं कूलर्स के बारे में। आप में से बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहेगा कि इतने सारे अभी ब्रांड्स आ गए हैं, तो सबसे बेस्ट लिक्विड कूलिंग सॉल्यूशन या फिर एयर कूलिंग सॉल्यूशन हमें कौन सा ब्रांड प्रोवाइड कर रहा है? तो प्रतीक सर कैसे हो आप? I'm good, sir. प्रतीक सर, ये वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कूलिंग सॉल्यूशंस के बारे में। अभी सर 14 जनरेशन आए हैं, 7000 सीरीज प्रोसेसर्स आए हैं, इतने हैवी प्रोसेसर्स है ये जो आइडियल में ही 80 डिग्री सेल्सियस तक हीट करते हैं। तो अभी के टाइम पे सबसे बेस्ट लिक्विड कूलिंग सॉल्यूशन या फिर एयर कूलिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाला ब्रांड कौन सा है? सो बेसिकली आज बात करेंगे लिक्विड कूलर और एयर कूलर्स पे। तो जैसे कि आज जो अपन कवर करेंगे वो कूलर मास्टर ब्रांड कवर करेंगे। सर बात करेंगे पहले इस ब्रांड की। कूलर मास्टर काफी रेनाउंड ब्रांड और काफी ओल्ड ब्रांड है इन द मार्केट, जिसने अभी तक के सस्टेन किया है। काफी ब्रांड्स आए गए फिर वापस आए, तो उस तरह का कूलर मास्टर में नहीं हुआ। ब्रांड की खुद की बात करेंगे, इनके खुद के जैसे पावर सप्लाई मैंने बताया, लिक्विड कूलर्स है, एयर कूलर्स है, इवन यू हैव द कैबिनेट्स। इनकी आरएमए पॉलिसीज इन मुंबई, आई एम नॉट श्योर अबाउट इंडिया, बट इन मुंबई काफी सुपर वारंटी सपोर्ट है इनका। कितने प्रोडक्ट्स रहेंगे सर जो आप शायद लेके जाए और सामने सामने आपको रिप्लेसमेंट मिल जाता, तो ये एक बहुत अच्छा बेनिफिट है। सर जैसे कि भी आपने एक मशीन ले लिया, सपोज आई ना इनका, और आपने एक अच्छा कूलर यूज कर लिया, अब उसका कूलर अगर नहीं चल रहा है सो यू हैव टू वेट फॉर 7, 10, 15, 20 डेज, मे बी अ मंथ, बट ये ब्रांड में ये चीज नहीं है सर। इफ स्टॉक नहीं भी हुआ ना तो आपको विद इन 3-4 डेज में ये अलॉट करके आपको आरएमए करा के क्लियर करके दे देंगे। ओके, तो सर अब आते हैं एयर कूलर्स पे। पहले एयर कूलर्स में कूलर मास्टर में क्या क्या कूलर्स प्रोवाइड कर रहे हैं? सो एज ऑफ नाउ एयर कूलर्स में कूलर मास्टर में जो मेरे पास कूलर्स है, द स्टार्टिंग वन इज कूलर मास्टर 212 स्पेक्ट्रम V3। ये काफी बेटर मॉडल है इसका। जैसे 410R पहले एक मॉडल आता था, उसका रोल ओवर मॉडल आया है। पहले बात करेंगे इसकी प्राइस की, दिस इज फॉर 1900 ऑल इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस अलोंग विद 2 इयर्स वारंटी। दिस हैज अ 120mm ARGB फैन जो आपके मदरबोर्ड से सिंक कर सकते हो, जो एस्थेटिकली काफी ज्यादा प्रीमियम लगेगा। क्वालिटी की बात करें, इट्स अ सुपर्ब क्वालिटी कूलर। जैसे कि अभी आप देखेंगे ये 1900 है, तो आपको थर्ड पार्टी दूसरे काफी ब्रांड्स है जिनमें आपको 1200, 1300, 1400 तक के कूलर्स मिल जाते हैं, बट वो आप देखेंगे तो वो सिर्फ लुक्स के लिए हो गए। अब बात करेंगे इस कूलर की, ये कूलर आप आज के डेट में i5 13th gen या फिर 12th gen आप ये यूज कर सकते हो। राइजन में अगर आप जाओगे, एनी ऑफ द 5000 सीरीज, यू कैन गो अहेड विद दिस कूलर। प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू 1900 में बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसी के बाद एक और एक कूलर है, दैट इज कूलर मास्टर हाइपर 620S। सो दिस हैज 2 120mm फैन, जिसको लाइक काफी बेटर कूलर बताया गया है। परफॉर्मेंस की बात करेंगे, सुपर परफॉर्मेंस। अगर इसको आपको यूज करना है, मे बी आपका बजट थोड़ा मशीन सेटल्ड हो रहा है और आपको कूलर लेना है, जैसे कि i5 K सीरीज अगर आपको जाना है और आपका बजट जेन्युइनली नहीं है, तो यू कैन ऑप्ट विद दिस कूलर। बट आई वुड रियली रिकमेंड कि ये कूलर ज्यादा करके आप ओवरक्लॉकेबल प्रोसेसर्स पे ना लगाए, जैसे कि आपने राइजन 7000 सीरीज 7600 है या इस तरह के प्रोसेसर, यू कैन गो अहेड विद दिस। इसकी कीमत की बात करूंगा 3150 ऑल इंक्लूसिव विद 3 इयर्स वारंटी। एंड कूलर की साइज बताऊंगा, काफी लेजेंड है। इवन आई हैव अ सैंपल हियर, यू कैन चेक आउट द सैंपल। काफी लेजेंड कूलर है, काफी बड़ा कूलर है और परफॉर्मेंस वाइज इट्स वेरी गुड। हीटिंग इश्यूज आपको इस कूलर में नहीं आना है, बट दैट यू नीड टू चेक। आप जो स्पेसिफिकेशन लेते हो उसके अकॉर्डिंगली आपको कूलर जाना है। ये बात रही, अब मैं ये क्लाइंट्स को बता दूं, या कोई भी आप मशीन बनाते हो, पहले आप उस चीज पे R&D करिए, थोड़ा रिसर्च कर लीजिए। इट्स अ वेरी बेसिक थिंग, कोई रॉकेट साइंस नहीं है सर, बहुत बेसिक चीज है ये। जिस तरह का प्रोसेसर ले रहे हो उस हिसाब से आप कूलर ऑप्ट करिए। कई बार ये होता है आपने अभी ओवरक्लॉकेबल या फिर कोर i9 या i7 पे आपने इस तरह के कूलर्स लगा लिए, तो ये एक चीज ड्रॉबैक है आपका, आपको पूरा परफॉर्मेंस आपको मिलना नहीं है। चलो बात करते हैं इस कूलर की, वेरी गुड कूलर, साइज वाइज काफी बड़ा है, बट वही आप कोई भी अच्छे i5 14th gen, इधर राइजन 7000 सीरीज के 7600, इधर 7600, यू कैन ऑप्ट विद दिस कूलर। अभी बात करते हैं इनके वाइट एडिशन कूलर की, दैट इज कूलर मास्टर 212 हेलो व्हाइट। ये काफी बेटर कूलर है आपका, जिसमें आपको रिंग एलईडी देखने मिल जाता है, एस्थेटिकली वेरी गुड। व्हाइट कलर का अगर बिल्ट रहेगा पीसी बिल्ट, तो काफी ज्यादा सही है। और बात करेंगे इस कूलर के क्वालिटी की, यू कैन चेक आउट द हीट सिंक, ये थर्मल्स आप चेक कर सकते हो, इसके काफी ज्यादा प्रीमियम है। दूसरे ब्रांड्स में आप देखोगे तो काफी अप डाउन लग जाता है, बट ये क्वालिटी वाइज इट्स रियली लेजेंड। बात करेंगे इसकी प्राइस की, दिस इज अगेन फॉर 3-50 विद 2 इयर्स ऑफ वारंटी। सो अभी हम आते हैं लिक्विड कूलर्स पे। कूलर मास्टर की तरफ से अभी हमारे पास 7 SKU अवेलेबल है, 7 मॉडल्स फ्रॉम द लिक्विड कूलर्स, विच विल स्टार्ट फ्रॉम 120mm स्ट्रेट अवे अप टू 360mm, जिसमें आपको कोर सीरीज देखने मिल जाएगा, ARGB non-RGB दोनों, फिर आपको फ्लक्स सीरीज देखने मिल जाएगा, विच इज अ वेरी गुड कूलर अगेन इन कूलर मास्टर सीरीज, इट्स अ प्रीमियम कूलर। एंड अगेन द टॉप नॉच, विच इज द कूलर मास्टर एटमॉस, वो भी आपको ये देखने मिल जाएगा। सो लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम, मैं आपको स्टार्ट करता हूं। स्टार्ट करेंगे मास्टर लिक्विड 120L कोर से, विच इज अ non-RGB कूलर, जिसको एस्थेटिकली इतना लाइट स्वाइट्स नहीं चाहिए, और जिनके पास ऑलरेडी प्रीवियस कैबिनेट है, जिनको कैबिनेट में पैसा स्पेंड नहीं करना, जिनको हीटिंग इश्यूज है, वो ये कूलर के लिए जा सकते हैं। आई वुड रियली नॉट रिकमेंड टू गो विद एनी ऑफ द 120mm लिक्विड कूलर, कोई भी भले ब्रांड हो, नो डाउट क्वालिटी वाइज इट्स वेरी गुड, बट अभी के लिए 240 इज द मिनिमम ऑप्शन विच वी कैन गो। और जो प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू की बात करेंगे, दिस इज फॉर 3700 ऑल इंक्लूसिव टैक्सेस अलॉन्ग विद 3 इयर्स वारंटी। एंड इसी के प्राइस में आपको अच्छे एयर कूलर्स देखने मिल जाते कूलर मास्टर ब्रांड में ही, बट एनीवे दिस इज द फर्स्ट मॉडल विच फ्रॉम द कूलर मास्टर। उसके बाद मैं आपको बताता हूं द कोर 240। सो दिस इज अ कोर 240, दिस इज अ नॉन आरजीबी लिक्विड कूलर। इसकी प्राइस की पहले मैं बात करता हूं, 4500
अलॉन्ग विद 3 इयर्स वारंटी। इसमें आप देखेंगे तो इसमें दो फैंस आपको सपोर्ट मिल जाएगा। प्योर 240mm AIO, नो RGB सर। एंड परफॉर्मेंस की बात करेंगे, इफ यू आर गोइंग अलॉन्ग विद i5 14400F, इधर Ryzen 7600 और 7600X, यू कैन ऑप्ट विद दिस कूलर। बहुत अच्छा बेहतरीन कूलर है, नो डाउट। इफ आपको 14 Gen 14400F के ऊपर भी अगर आप देखेंगे तो आप एक बार कंसीडर कर सकते हो, बट इफ आपका बजट कंसीडरेशन होता है तो सो दिस इज अगेन अ गुड कूलर इन द प्राइस पॉइंट 4500 अलॉन्ग विद 3 इयर्स वारंटी। फिर इसी में और एक आपको देखने मिलेगा, दैट इज द कूलर मास्टर ML240 LRGB। सो बेसिकली इट्स एन RGB कूलर जिसमें सिंगल लाइट्स आपको देखने मिलेगी, नॉट द एड्रेसेबल RGB वन। कूलर वाइज अगर इसकी प्राइस की बात करेंगे पहले हम, दिस वाज 5650, बट अगेन आई वुड नॉट रिकमेंड दिस कूलर, क्योंकि अगर आप नया PC बिल्ड ले रहे हो तो ट्राई टू गो विद ARGB वर्जन, वो अभी लेटेस्ट कूलर्स है आपके। ये कूलर ARGB के पहले वाले मॉडल्स का था। प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू में दिस इज अ गुड कूलर। इफ यू हैव अ कैबिनेट जिसमें सिर्फ RGB सपोर्ट है, ये आप इसके लिए जा सकते हो। एंड नो डाउट आपको कई बार जैसे जूने मदरबोर्ड होते हैं आप अपग्रेड कर रहे हो तो उनपे RGB हेडर है सिर्फ, तो फिर ये ऑप्शन अच्छा है। अब बात करेंगे द कूलर मास्टर कोर ARGB सीरीज, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे, दैट इज द मास्टर लिक्विड 240 कोर ARGB। अगेन दिस इज अ 240mm AIO जिसमें आपको दो फैंस देखने मिल जाएंगे 120mm के विद 9 ब्लेड फैंस। अगर इसकी बात करें, अगेन यू कैन गो विद द 14 Gen i5 मे बी लाइक 14400F या फिर 14600K तक के जाना है तो आप, अगर बजट कंसीडरेशन होता है तो आप इसके साथ जा सकते हो। अगर इसकी प्राइस की बात करेंगे, दिस वाज 6000 ऑल इंक्लूसिव टैक्सेस विद 3 इयर्स वारंटी अगेन। सो अब मैं आपको, जैसे मैंने आपको बताया, मैं 240 ARGB इसका आउट ऑफ द बॉक्स आपको सैंपल भी दिखा दूंगा, सो यू कैन चेक दिस थिंग सर। कूलर मास्टर 240 ARGB का कूलर है, दिस इज द बेस आपका, द व्हिच इज प्योर कॉपर, काफी बेहतर है, काफी प्रीमियम लुक्स है, नो ज्यादा RGB और समथिंग, इट हैज अ स्मॉल लोगो जहां पे आपको RGB ब्लिंक होगा। बात करेंगे फैंस की, रियली वेरी गुड क्वालिटी ऑफ फैंस, यू कैन फील इट। आप जब फील करेंगे आपको आइडिया आ जाएगा कि इसकी क्वालिटी क्या है। ARGB अगेन विद 9 ब्लेड्स, सो दिस इज द बेस्ट थिंग इन दिस ब्रांड, कि ये ब्रांड आपको ये प्राइस में इतनी अच्छी चीजें प्रोवाइड कर सकता है। अभी इसमें 4000 रुपए से भी आपके कूलर्स चालू होते हैं, इवन अभी तो 5000 में आपको 360mm लिक्विड कूलर्स देखने मिल रहे हैं। बट प्लीज आप ध्यान रखिए, वो कूलर सिर्फ एस्थेटिक्स के लिए, सिर्फ लुक्स के लिए, अपार्ट फ्रॉम इट आप उससे ज्यादा एक्सपेक्ट ना करिए। जैसे कि 5-5500 के जो थर्ड पार्टी ब्रांड्स है उसमें अगर आप कंपेयर करोगे, कैन गो विद एनी टाइम ब्लाइंडली कैन गो विद द कूलर मास्टर 240L व्हिच इज द नॉन आरजीबी वन। इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस इसका मुकाबला शायद वो कूलर्स भी आपके 360 नहीं कर पाए। 360 में जो कूलर स्टार्ट होता है, अगेन दैट इज द ARGB एड्रेसेबल ARGB वन, सो यू कैन सी हियर। सो दिस इज द मास्टर लिक्विड 360L कोर ARGB जिसमें तीन फैंस आपको देखने मिल जाएंगे, व्हिच आर 9 ब्लेड्स फैन। अगेन फैंस की पुशपुल पावर इज रियली गुड। जैसे कि अभी ये कूलर है आपका, तो आप इसको 14600K इधर Ryzen 7 7700X तक के आप डाल सकते हो, जिसकी मैं बात कर रहा हूं ये आपके LGA 1700 एज वेल एज AM5 प्लेटफॉर्म के प्रोसेसर्स है। अगेन मैं आपको ये चीज बताना भूल गया, कूलर मास्टर के सारे कूलर्स जितने भी रेंज है आपको LGA 1700 व्हिच इज द 14 जेन द लेटेस्ट वन एज वेल एज द AM5 व्हिच इज फ्रॉम AMD अगेन सब पे सपोर्ट है, जिसमें आपको डायरेक्टली बॉक्स के अंदर, डायरेक्ट बॉक्स के अंदर ही आपको इसमें सॉकेट मिल जाएंगे, ब्रैकेट्स मिल जाएंगे उसके। कई कूलर्स ऐसे जिनमें आपको डायरेक्टली बॉक्स के अंदर नहीं मिलता है, आपको अलग से थर्ड पार्टी या तो परचेस करना पड़ता है या कंपनी सपोर्ट रुकना पड़ता है, तो वो आएगा आपका 3-4-10 दिन में भी। सो दिस इज अगेन अप टू डेटेड, जितना आज का जो लेटेस्ट सीरीज चल रहा है वो सारे सपोर्ट इसमें है आपका। अगर इस कूलर में आप देखेंगे तो ARGB जो इसका जो सरफेस एरिया है फॉर द रेडिएटर्स, उसमें आप देखेंगे उसकी विड्थ थोड़ी ज्यादा बड़ी है, जिसमें आपको कूलिंग एफिशिएंसी और ज्यादा मिलेगी। आपको पंप की बात करें, अगेन दिस इज ऑल्सो डुअल चैम्बर JNS सीरीज का पंप मिलेगा, आयो पंप। ARGB एस्थेटिकली वाइज इट्स रियली गुड, लुक्स वाइज बहुत प्यारा है, बहुत प्रीमियम लगता है। अभी आप यही चीज अगर दूसरे ब्रांड से आप कंपेयर करेंगे, आई डोंट रियली वॉन्ट टू मेंशन एनी ब्रांड्स, ऑल द ब्रांड्स आर वर्किंग वेरी फाइन, बट पर्सनली जितना मैं समझता हूँ इस कूलर का जो लाइट्स का जो इफेक्ट्स है, दोस लुक रिच, वो बहुत दिखने में बहुत प्रीमियम दिखता है। प्राइस की बात करेंगे, 7700 अलॉन्ग विद 3 इयर्स वारंटी, तो दिस इज द 360mm AIO। जैसे कि ये सीरीज मैंने बताई, मे बी फॉर i5 14 जेन के ओवरक्लॉकेबल सीरीज और एल्स AM5 सॉकेट के लिए आप जा सकते हो। एंड मोर इफ यू रियली डोंट हैव द बजट टू इन्वेस्ट इन द कूलर। सर ये होता क्या है कि PC इंडस्ट्री में अभी ज्यादा करके लोग प्रोसेसर, ग्राफिक कार्ड, रैम, बस इसी तीन चीज की बात करते हैं, ये सब चीजों पे लोग फोकस नहीं करते। और मैंने सर ये पर्सनली केस देखे हुए, हमारे मार्केट लैमेंडर नोट की बात करूंगा, जहां पे कोर i9 14 जेन के लिए भी उन्होंने एयर कूलर डाल के दिया हुआ है। मतलब इतनी स्टूपिडिटी है, लाइक 50,000 फॉर द प्रोसेसर एंड जस्ट 1,000 फॉर द कूलर। बट ऑब्वियस अगर आप कूलर वैसा डालोगे, i9 चलने के लिए वो i9 चलेगा, लेकिन जो उसका पोटेंशियल मिलना चाहिए वो आपको कभी नहीं मिल पाएगा, बिकॉज प्रोसेसर का जो टेम्परेचर है वो कूलर नहीं संभाल सकता, तो वो कूलर एक मैक्स जाके वहां पर रुक जाएगा और वो परफॉर्मेंस आपको उतना ही मिलेगा। रियली हाईली रिकमेंडेड कि आप i5 14 जेन के सीरीज या उसके ऊपर का आप जाए तो आप ऐसे कूलर जाइए। 360mm इज अ मस्ट, अभी आप इतना एक खाली एक दिमाग में डाल के रखिए। सो अभी हम बात करेंगे कूलर मास्टर के फ्लक्स सीरीज की, जैसे कि मैं आपको कूलर दिखा देता हूं। सो दिस इज अ मास्टर लिक्विड PL360 फ्लक्स व्हिच इज द व्हाइट एडिशन। कूलर की बात करेंगे, परफॉर्मेंस वाइज अगेन द टॉप नॉच थिंग, लुक्स एस्थेटिकली वाइज यू कैन सी हियर, लुक्स वाइज बहुत प्रीमियम बनाया है, जिसको स्पेसिफिक
व्हाइट बेल्ट जाना है विद ARGB एस्थेटिक, दोस कैन गो इन दिस। अगर आपको परफॉर्मेंस अच्छा चाहिए तो अभी इसमें यही है कि आपको लुक्स वाइज तो काफी बेटर देखने मिल जाएगा। परफॉर्मेंस जैसे मैंने आपको बताया, इसमें 360mm का AIO सपोर्ट मिलेगा, एडजस्टेबल जेन 2 RGB का आपको हेडर अंदर देखने मिल जाएगा। प्राइस की बात करेंगे 12,700 विद 3 इयर्स वारंटी, एंड अगेन दिस इज सिंकेबल फॉर MSI, Gigabyte, Asus और else Azure, okay, सब में आपका सपोर्ट हो जाएगा। जैसे कि आपके कोर i7 14th gen और else कोर i9 में आप ये ऑप्ट कर सकते हो, या फिर Ryzen 7 के 7700X एंड मोर देन दैट लाइक 7800X 3D, अगेन उसके लिए काफी बेटर कूलर है। सर ये होता यही है कि आपने कूलर ले लिया, आपने कोई भी बेसिक्स, और फिर आपने देखा कि प्रोसेसर, अब जैसे कि आपको शायद पिछला याद होगा AMD की जो बात चलती थी कि AMD हीट बहुत करता है, राइट? नो डाउट AMD नहीं, Intel भी हीट करता है। ओवरहीटिंग एंड हीटिंग हैज अ डिफरेंट मीनिंग, वो लोगों को समझना जरूरी है। अभी आपने प्रोसेसर इतना अच्छा ले लिया और फिर कूलर आपने बेसिक डाला, बट ऑब्वियस वो हीट करेगा, बट ऑब्वियस इट विल बर्न, क्योंकि परफॉर्मेंस उसको मिलना ही नहीं है। जब तक प्रोसेसर कूल डाउन नहीं होगा तब तक वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो ये आपके दिमाग में, ये वीडियो बनाने का रीजन ही ये था कि लोगों को ये चीज पता चले कि स्पेसिफिकली आपको एज पर द प्रोसेसर आपको कूलर जाना कौन सा है। सो बात करेंगे अगेन इसकी प्राइस की, जो 12,700 अलोंग विद GST, फिर उसके बाद में दिखाता हूं दैट इज द कूलर मास्टर द टॉप नॉच सीरीज द मैक्स आउट दैट इज द कूलर मास्टर M360 एटमॉस। सो बात करेंगे इस कूलर की, बॉक्स वाइज बहुत लेजेंड और बहुत प्रीमियम बॉक्स है। पहले हम इसके प्राइस मैं आपको बता दूंगा, 13,600 ऑल इंक्लूसिव टैक्सेस अलोंग विद 5 इयर्स वारंटी, 9 ब्लेड्स ऑन द फैन, 3 फैन आपको देखने मिल जाएंगे। कूलर आउट ऑफ द बॉक्स बहुत लेजेंड है, बहुत सुपर है। इसका मेरे पास एक ओपन डेमो भी है जो मैं आपको दिखा देता हूं। ये आउट ऑफ द बॉक्स जैसा आएगा आपका, इसमें फैंस आपके डायरेक्टली लगे हुए ही रहेंगे आप देखेंगे तो। सो यू कैन चेक आउट द बेस हियर फर्स्ट। सो दिस इज द एटमॉस, लुक्स वाइज इट्स रियली प्रीमियम, ARGB एस्थेटिक्स दिया हुआ है। एक होता है सर कि एकदम ही ज्यादा हैंकी पैंकी हो जाता है कि बहुत ज्यादा लाइट एंड शो शाइनिंग, वो नहीं। परफॉर्मेंस की बात करेंगे, आई एम 100% श्योर इसको आप i9 पे लगा लीजिए, इसको आप Ryzen 9 7950X या 3D पे लगा लीजिए, ये आपके प्रोसेसर को प्रॉब्लम देने नहीं देगा, एंड ये जितना हो सके उतना एफिशिएंटली आपकी कूलिंग में काम आएगा, दैट इज फॉर श्योर। नो डाउट इज एक्सपेंसिव, 13,500 का कूलर है, यू कैन सी द लुक्स एंड एवरीथिंग हियर। इसके आप ये 3 फैन देख लेंगे, दिस इज अगेन ARGB, एस्थेटिकली वाइज अच्छा है, प्रीमियम है, एंड आप जैसे कि आप फिनिशिंग देखेंगे तो इसकी क्वालिटी जो है सर वो प्रीमियम है, आपको लगेगा नहीं, इट्स अ वेरी गुड क्वालिटी। अभी दूसरे फैंस कूलर्स आएंगे भी आपको देखने मिलेंगे जिनके रेडिएटर खराब हो जाते हैं बहुत जल्दी, ये सारी चीजें देखने मिल जाती, तो ये कूलर मास्टर में आपको देखने नहीं मिलेगा। और जितने भी एयर कूलर्स एज वेल एज लिक्विड कूलर्स मैंने बताए हैं, सभी में आपको बाय कंपनी अंदर आपको थर्मल पेस्ट मिलेगा। सो लिक्विड कूलर्स में यू विल गेट द इंजेक्शन, मोस्टली अभी सब में इंजेक्शन ही आते हैं, छोटे छोटे इंसुलिन आपको मिलेंगे फॉर द थर्मल पेस्ट। जैसे कि एटमॉस है सर, स्पेसिफिकली आप अगर हाई एंड मशीन बना रहे हो, हाई एंड प्रोसेसर ले रहे हो, आप कूलर में कंजूसी ना करिए प्लीज, आप अच्छे कूलर लीजिए, तब जाके आपको उसका 100% परफॉर्मेंस देखने मिलेगा। कभी कभी यही होता है कि आपने i9 जैसे लिया, बट ऑब्वियस में i9 के नीचे i7 भी शायद मैं बात नहीं करूं, i9 अगर आपको परफॉर्मेंस आपको 100% चाहिए उसका, तो फिर ये या इस तरह के कूलर्स हो तो फिर आपके लिए बहुत बेटर है। अब थर्ड पार्टी में अगर मैं ये सेम देखने जाऊंगा, अभी इसकी अगर आप फैन स्पीड भी देखेंगे, दैट गोज अप टू 2000 RPM, सो दैट इज अ वेरी बिग थिंग। आपको ये चीज दूसरे कूलर्स में देखने नहीं मिलेगी, और जहां देखने मिल गई तो बात हो जाएगी डायरेक्ट 18,000-19,000-20,000, जिसमें आपको डिस्प्लेज आ गए, जिसमें फलाना दुनियादारी आ गई, लेकिन परफॉर्मेंस फिर बहुत एक्सपेंसिव सॉल्यूशन में जाएगा। सो दिस इज द कूलर मास्टर वीडियो फॉर द एयर कूलर्स एज वेल एज द लिक्विड कूलर्स। ये स्पेसिफिकली जो वीडियो बनाता है जस्ट फॉर अ कस्टमर इन्फॉर्मेशन, कस्टमर के नॉलेज के लिए कि आपको प्रोसेसर के साथ किस तरह के एयर कूलर्स या लिक्विड कूलर्स यूज करने हैं। फर्स्ट ब्रांड जेन्युइनली माय प्रायोरिटी इज कूलर मास्टर, जस्ट बिकॉज उसकी वारंटी पॉलिसी इज वेरी स्मूथ एंड वेरी क्लीन। कई ब्रांड्स हैं थर्ड पार्टी, अगेन आई डोंट वांट टू मेंशन एनी ब्रांड्स, बट उनके ऐसे क्लॉजेस होते हैं कि आप कौन से प्रोसेसर पे यूज कर रहे हो, क्या मशीन यूज कर रहे हो, आप क्या यूजेज कर रहे हो, वो तक के आपको डेटा उनको राइटिंग में देना पड़ता है। ये सारी बुलशिट इस ब्रांड में नहीं है। यू वेंट टू द सर्विस सेंटर, आपने सबमिट किया, उन्होंने 10 मिनट चेक करा, इफ इट्स नॉट फिजिकल डैमेज, नो बर्न डैमेज, नो लिक्विड डैमेज, देन आपको तुरंत आपको रिप्लेसमेंट सामने सामने कंपनी से मिल जाता है। इफ द स्टॉक इज नॉट अवेलेबल, इट विल हार्डली टेक 2-3 डेज टू गेट द रिप्लेसमेंट डन। एंड अगेन इफ इन कूलर मास्टर, मैं मेरे ब्रांड मेरी कंपनी से मैं आपको ये बताना चाहता हूं, फ्रॉम फिनिक्स टेक्नोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ वारंटी सपोर्ट, आप कहीं पे भी ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी कूलर मास्टर में इश्यूज आते हैं, यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट अस, हम आपको इस चीज के लिए सपोर्ट करा के दे देंगे। थैंक यू सो मच प्रतीक सर, इतने सारे हमें कूलर्स के बारे में बताने के लिए और अच्छा नॉलेज देने के लिए कि अभी के टाइम पे सबसे बेस्ट कूलर्स क्या, हमें कौन से प्रोसेसर्स के साथ लगाना चाहिए। तो गाइस ये था ये वीडियो, आई होप कि कंप्लीट वीडियो अच्छा लगा रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट, कम टू गाइस, बाय बाय।